पार्टी की ओर से कमेटी बनेगी और उस पर विचार होगा, दल हित में जो फैसला होगा उस सबको मान्य होगा। लेकिन बिहार में तो 2006 में ही किसानों को मार दिया गया था। आज किसान दलालों के भरोसे, बिचौलियों के भरोसे काम कर रहे हैं, जिसकी रोटी खाते हो, जिसके द्वारा उपजाया हुआ अन्न खाते हो और उसको तुम दलाल बोल रहे हो। किसानों के प्रति इस अपमान का बदला प्रजातांत्रिक ढंग से दिया जा रहा है। यह अपहरण करके बनाए हुई सरकार, मैंडेट का अपहरण किया गया है, तो जब ऐसी घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव कुछ ही देर पहले यहां पर मौजूद थे और तमाम बिहार विधानसभा चुनाव में जो राजद के नेता जो चुनावी मैदान में थे, कुछ नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। उन तमाम विषयों पर, उन तमाम बिंदुओं पर तेजस्वी यादव जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे थे। हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता जी, इनसे बात करेंगे। सर, तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की है, किन बिंदुओं पर ये बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं इस बैठक? यह बैठक जो थी वो समीक्षा बैठक तो थी ही, उसके साथ साथ किसान विषय पर, कृषि कानून के विषय पर भी ये बैठक। चुनाव के बाद हम लोग एक साथ बैठे नहीं थे, तो एक तो ऐसे बैठना था, दूसरी बात है कि जो शिकायतें या सुझाव जो हमारे माननीय प्रत्याशियों के थे वो लिखित रूप में लिया जा रहा है और ले लिया गया है बहुत लोगों का। पार्टी की ओर से कमेटी बनेगी और उस पर विचार होगा, दल हित में जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। उसके साथ साथ जो ज्वलंत समस्या है अभी, कृषि बिल, क्योंकि यह पार्टी किसान और मजदूरों की पार्टी है, इसलिए कृषि बिल के प्रति हम संवेदनशील हैं और बिहार के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। पंजाब के किसानों पर अब ये तीन कृषि बिल की गाज गिर रही है, लेकिन बिहार में तो 2006 में ही किसानों को मार दिया गया था। नतीजा है कि बिहार के किसानों के उत्पाद MSP पर न के बराबर लिए जा रहे हैं। सिर्फ एक फसल धान और उसका भी 6-10% परचेज हो रहा है और बाकी फसल और उसके MSP और परचेजर कौन है? कोई नहीं। मतलब कि बिहार में सिर्फ एक सैंपल के तरह पैक्स के माध्यम से धान खरीदा जा रहा है, लेकिन मक्का का क्या होगा, अन्य फसलों का, दलहन का क्या होगा, तिलहन का क्या होगा या फिर सब्जियों का क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर सरकार मौन है। पिछले 2006 में जब APMC एक्ट का मैंने हटा दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, तो बिहार में बाज़ार समितियां समाप्त कर दी गई, जो कि एक तरह की मंडी थी और किसानों को एक मार्केट मिलता था। आज किसान दलालों के भरोसे, बिचौलियों के भरोसे काम कर रहे हैं और सब, आज जो ये कानून आया है उसमें सबसे बड़ा दलाल जो है, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दलाल की तरह उनके प्रॉफिट वाले हिस्से पर बिठाया जा रहा है, यानी कि कृषि की अर्थव्यवस्था में अर्थ का हिस्सा उनका होगा और मेहनत का हिस्सा किसानों का होगा। यह बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिहार के किसानों की अब वार्षिक मंथली आय 3,500 रुपये प्रति माह है, पंजाब के किसानों की वार्षिक आय मंथली आय 18,000 रुपये प्रति माह है। तो ये अंतर इसलिए है कि अभी तक वहाँ MSP का लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता रहा है और वो अचानक समाप्त हो रहा है, लेकिन बिहार के किसानों को तो 3,000 मिल रहा है 2006 से। तो ये अभाव के आदि हो चुके, इसीलिए मैंने अभी बिहार में ये थोड़ा सुसुप्तावस्था है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इन बातों को जब किसान समझेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलनरत होंगे और इस कानून को हटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। बिहार के कृषि मंत्री ने दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें किसान ना बताकर दलाल बता रहे हैं, इस बयान को किस रूप में आप लोग ले रहे हैं, राजद ले रहा है? किसानों के प्रति इस अपमान का बदला प्रजातांत्रिक ढंग से दिया जा रहा है। पूरे हरियाणा और पंजाब के किसान तो सड़क पर हैं ही और ये मतलब कंडेमेबल बात है कि कोई जिसकी रोटी खाते हो, जिसके द्वारा उपजाया हुआ अन्न खाते हो और उसको तुम दलाल बोल रहे हो। ये किसान, ये कृषि बिल है, ये दलालों के दबाव में बनाया हुआ बिल है और उसी का तो विरोध किया जा रहा है। तो फिर अब जब इतना बोल गए कृषि मंत्री, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार की प्राथमिकता क्या है और किसानों के प्रति उनकी क्या जिम्मेवारी है, वो उसको भूल गए।
राजद हमेशा से बिहार विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए हैं तभी से ये बोलता रहा है कि फिर से पुनः चुनाव हुआ क्योंकि एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की है, तो क्या इन बिंदुओं पर भी आगाह किया है आप लोगों को कि तैयार रहें पुनः चुनाव होगा? देखिए, प्रजातंत्र में हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, और यह अपहरण करके बनाए हुई सरकार, मैंडेट का अपहरण किया गया है, तो जब ऐसी घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, और प्रजातंत्र को तार तार कर इस व्यवस्था को स्थापित करने वाले लोग सशंकित स्वाभाविक रूप से होंगे, और उनमें आपस में भी टकराव होगा क्योंकि स्वार्थ से भरा हुआ यह निर्णय उनका था, तो स्वार्थ जब हावी होता है तो अपना पराया कुछ नहीं समझता। तो कोई बड़ी बात नहीं कि फिर से चुनाव भी हो जाए, तो राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार की जनता कमर कसे हुए है, क्योंकि उनको बाद में समझ में आया कि इसमें गड़बड़ी हो रही है। यदि पहले समझ में आता तो शायद और वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिलता। और सब आज जो ये कानून आया है उसमें सबसे बड़ा दलाल जो है, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दलाल की तरह उनके प्रॉफिट वाले हिस्से पर बिठाया जा रहा है, यानी कि कृषि की अर्थव्यवस्था में अर्थ का हिस्सा उनका होगा और मेहनत का हिस्सा किसानों का होगा। यह बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिहार के किसानों की अब वार्षिक मंथली आय 3,500 रुपये प्रति माह है, पंजाब के किसानों की वार्षिक आय मंथली आय 18,000 रुपये प्रति माह है। तो ये अंतर इसलिए है कि अभी तक वहाँ MSP का लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता रहा है और वो अचानक समाप्त हो रहा है, लेकिन बिहार के किसानों को तो 3,000 मिल रहा है 2006 से। तो ये अभाव के आदि हो चुके, इसीलिए मैंने अभी बिहार में ये थोड़ा सुसुप्तावस्था है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इन बातों को जब किसान समझेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलनरत होंगे और इस कानून को हटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। बिहार के कृषि मंत्री ने दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें किसान ना बताकर दलाल बता रहे हैं, इस बयान को किस रूप में आप लोग ले रहे हैं राजद ले रहे हैं? तो आलोक मेहता जी थे जो कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही तैयार है, अगर पुनः चुनाव होगा तो फिर से बिहार की जनता कमर कस चुकी है इस बार राजद की सरकार बनाने को। और देखने वाली बात यह है कि समीक्षा बैठक तो हो रही है, तेजस्वी यादव फिर से बिहार के राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव जो लगातार अब जो सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, समीक्षा बैठक की जा रही है, अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कुछ फ़ायदा जो है वो राजद को मिलता है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं सत्ता पक्ष पर, सत्ता पक्ष का क्या जवाब निकल कर आता है? लाइटिटी के साथ बने रहें, कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ, मैं वसीम खान, लाइटिटी पर। पार्टी की ओर से कमेटी बनेगी और उस पर विचार होगा, दल हित में जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन बिहार में तो 2006 में ही किसानों को मार दिया गया था, आज किसान दलालों के भरोसे बिचौलियों के भरोसे काम कर रहे हैं, जिसकी रोटी खाते हो, जिसके द्वारा उपजाया हुआ अन्न खाते हो और उसको तुम दलाल बोल रहे हो। किसानों के प्रति इस अपमान का बदला प्रजातांत्रिक ढंग से दिया जा रहा है। यह अपहरण करके बनाए हुई सरकार, मैंडेट का अपहरण किया गया है, तो जब ऐसी घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है।